नमस्कार सबको। जैसे कि आज 14 सितंबर है और आज हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सबको मेरे तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये तो सबको पता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 14 सितंबर को। ये भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार के प्रतिबिंब है। वो देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। हिंदी का भाषा में अमूल्य महत्व है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का एक प्रयास भी है। आज हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे हम गवार समझते हैं ना। जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये गवार है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये लिखना चाहते हैं कि अपनी हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी की अधिक महत्व ना दें। हमें अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए पर हिंदी का महत्व कम करके नहीं। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है। हिंदी हमारे भारत देश का गौरव है। इस दिन हम भारतवासी ये प्रण करें कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाए, उसकी हमेशा उन्नति करें। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हम लोगों ने आज जाना कि भारत देश में हर वर्ष कितने सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। मिला तो 1949 को ही, लेकिन ये जो मनाया गया पहला हिंदी दिवस वो 14 सितंबर 1953 को। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ साथ भारत की राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में क्या करती? बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। कौन सी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है। हम अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अंत में हम ये कहेंगे, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। जो जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है।